हेलो साथियों, फ्लैग होस्टिंग के लिए आपको रोप के एक सिरे को पकड़ना होता है और जो चक्र के बाहर की ओर से जो रोप आती है उस रोप को हमें टाई करना होता है केसरिया रंग वाले जो ऊपर की तरफ साइड होती है। ये साइड वन है जो ऊपर रहती है और ये साइड नीचे रहती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर से पोल के बाहर की ओर से जो रोप आती है उसे हम केसरिया रंग में कस कर बांध देंगे। पहले हम इसमें एक नॉट लगाएंगे और उसके बाद एक और नॉट लगाएंगे ताकि ये काफ़ी स्ट्रांग रहे, ताकि जो हवा है जो तेज़ चलती है उसकी वजह से ये किसी भी तरीके से ना गिरे या ना लूज़ हो। ठीक है, तो ये अच्छे से हम कस के इसे बांध देंगे। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि आपका जो फ्लैग है वो सरकता है तो आप उसको किसी पिन के सहारे या किसी भी चीज़ से आप वहाँ पर पिनअप कर सकते हैं, टाई कर सकते हैं, बांध सकते हैं। ठीक है, अब इसको करने के बाद यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि फ्लैग का जो नीचे लूप बना हुआ है उसमें हमें वही रस्सी बांधनी है जो पोल के साथ आ रही है, जो चक्रे के अंदर की तरफ से आ रही है और पोल के साथ है। तो ये हमने इसे अच्छे से बांध दिया है। अब नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लूप बना हुआ है। ठीक है, तो अब इस लूप में हम बांधेंगे अंदर वाला सिरा जो कि पोल के साथ आता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हम नीचे वाले सिरे जो कि पोल के साथ आ रहा है, एक बात का ध्यान रखें कि दोनों रस्सियां आपस में उलझी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो ये वो सिरा है जो पोल के साथ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको नीचे वाली लूप में बांधेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम नीचे वाले लूप के अंदर से डालने के बाद एक नॉट लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे दूसरी नॉट भी लगाएंगे ताकि ये मजबूत रहे और लूज़ ना हो, क्योंकि जब हम इसे नीचे की तरफ खींचेंगे तो कई बार क्या होता है ये नॉट्स खुल जाती हैं। तो इसे हमें कस के अच्छे से बांध देना है। तो ये कस के हमने बांध दिया है, हमने चेक भी कर लिया स्ट्रेच करके कि ये मजबूती से बंधा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपको अपने फ्लैग को किस तरीके से फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए आप देख सकते हैं जो केसरिया रंग है उसके जो वाइट के साथ जो कनेक्शन है वहाँ से आप पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद आप केसरिया रंग को बाहर की तरफ और ग्रीन वाले रंग को चक्र की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब आपको जैसे फोल्ड किया जाता है, जैसे चुन्नटें साड़ी में लगाई जाती हैं, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपने फ्लैग को फोल्ड करना है। तो देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ये फोल्ड करना है। और इस तरीके से पूरा फोल्ड करने के बाद आपको एक और फोल्ड करना होता है। ये एक प्रॉपर तरीका होता है फ्लैग को फोल्ड करने का। अब इसको फोल्ड करने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि जो केसरिया रंग वाला जो लूप है उसमें जो लकड़ी बंधी होती है वो साइड आपकी ऊपर रहनी चाहिए, और आपको जो नॉट लगानी है वो नॉट लगाने के लिए आपको जो फ्लैग के साथ जो डोरी आती है, जो थ्रेड आता है, उससे आपको उसको दो तीन बार लपेटना है। लाइक दिस, आप इसको इस तरीके से लपेट देंगे। ये हमने एक बार किया और इसके बाद ये दो बार किया और ये हम तीन या चार बार आप कर सकते हैं ताकि ये स्ट्रॉन्ग तरीके से बंधा रहता है। ठीक है, तो अब इतने करने के बाद आप क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे। ठीक है, लूप बनाने के बाद आपको इसके अंदर से बाहर की ओर कर देना है। देखिए, ये लूप बना दिया हमने और अब हम इसके अंदर से डालने के बाद इसको इस तरफ को कर देंगे। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होता है अपने फ्लैग को टाई करने का, बांधने का। ठीक है, अब ये हमने बांध दिया है तो अब हम क्या करेंगे, जो पोल के साथ जो रस्सी आई है अब उसे हम नीचे की तरफ खींचेंगे और वैसे ही हमारा जो फ्लैग है ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो फ्लैग है अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमने कौन सी रोप से अपने फ्लैग को टाई किया है। ठीक है, ऊपर की तरफ वो लकड़ी वाला जो पोर्शन है वही जाएगा क्योंकि वो केसरिया रंग का है जो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, अब ये हम इस तरीके से इसको ऊपर कर देंगे। ऊपर करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूरा फ्लैग ऊपर पहुंच जाए और उसके बाद आप इसे पोल के साथ बांधेंगे।
यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, जिस रोप को हमें यहाँ पर नीचे खींचकर फ्लैग होस्ट करना होता है उसे हम थोड़ा लूज छोड़ेंगे ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सी रोप को हमें नीचे की तरफ खींचना है। तो हम इसके बाद इस तरीके से इसको बांध देंगे और हम वो लूज़ वाले को थोड़ा हम अलग रखेंगे। तो जो रोप पोल के साथ है हम उसे कस के बांध देंगे ताकि जो हमारा फ्लैग है वो पूरी तरीके से हाईएस्ट पॉइंट तक वो स्ट्रेच रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम अपनी जो बाहर वाली रोप है जिस पे तिरंगा फहरता है उसको जब खींचते हैं तो वो खींचने की वजह से हमारा जो तिरंगा है जो दूसरी साइड में बंधा होता है वो नीचे की तरफ थोड़ा सरक जाता है। तो हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, पोल के साथ वाली रस्सी को एकदम कस के बांधना है ताकि बिल्कुल भी लूज ना हो और ना ही वो नीचे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये पूरी रोप को आप यहाँ पर लपेट देंगे। लपेटने के टाइम आप इस बात का ध्यान रखें कि वो ख़राब ना लगे, क्योंकि इसको अच्छे से आप चारों तरफ लपेटने के बाद आप यहाँ पर इसको नोट कर देंगे ताकि ये इधर उधर कहीं पर भी लटके नहीं और ना ही वो आपसा लगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि वो आपको रोप लूज़ रखनी है थोड़ी सी, जिससे आपको वहाँ से खींचना है, जिससे कि हमारा जो तरंगा है फैरता है, ठीक है। तो जो हमारी पोल के साथ वाली थी हमने उसे लूज़ रखा था और आप देख सकते हैं हमारा जो तिरंगा है अब वो फैर चुका है। हमने रोप को नीचे खींचा और वो कितनी आसानी से खुल गया है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों अपने फ्लैग होस्टिंग करने का, और उम्मीद है ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसके बाद आप इस तरीके से जो वापस जो रोप लूज़ हो जाती है उसे आप बांध सकते हैं। और हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस तरीके से कर पाएँ।